Gucci on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नई वीडियो में। एंड आई होप आपने रबिंग पॉलिशिंग का अपना पार्ट वन देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप सैंड पेपर की मदद से किस तरीके से अपनी गाड़ी के पेंट से मैक्सिमम आउटपुट्स निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप पेंट से ऑरेंज पील, हेजीनेस निकाल सकते हैं। बाकी अभी आप देख रहे हैं कि मिरर फिनिश आपको दिखाई दे रही है, मेरी परछाई प्रॉपरली जैसे कि आईने में दिखती है वैसे ही। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं आउटपुट अपने पेंट के अंदर, तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं ये पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि जो भी टाइम आप इस वीडियो के लिए अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, उस टाइम के अंदर मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर आपके काम आए। और ये वीडियो जब भी आप अपनी गाड़ी के ऊपर रबिंग या पॉलिशिंग करवाएं या खुद से करें तो इस वीडियो को जरूर से देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है प्रोडक्ट्स की, मैं कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी दोस्तों मेरे पास में ऑप्शंस बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के थे, मेरे पास में जो मौजूद हैं, मेरे पास मिंजरना के कंपाउंड्स मौजूद हैं, मेरे पास मैगवायर के कंपाउंड्स मौजूद हैं, मेरे पास में 3M के रबिंग मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वेवेक्स का मीडियम कट कंपाउंड और फाइनल कट कंपाउंड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मीडियम कट दोस्तों क्या करेगा कि पेंट के अंदर जो भी चीज़ें अभी रह गई हैं कटिंग के लिए वो कर देगा, और जो अपना फाइनल फिनिश कंपाउंड जो है वेवेक्स का वो इसके अंदर से मैक्सिमम ग्लॉस पेंट के अंदर से मुझे निकाल के देगा, जो कि आप वीडियो के एंड में देख भी पाएंगे। और अगर ये दोनों कंपाउंड आप खरीदते हैं तो आई थिंक कि 500 या 600 में आपको ये दोनों कंपाउंड ईजिली अमेजोन पर मिल जाएंगे। और दोस्तों विश्वास मानिए मेरी बात का कि इन कंपाउंड से आपको बहुत शानदार रिजल्ट अपनी गाड़ी के ऊपर रबिंग पॉलिशिंग करवाते वक्त देखने को मिलेंगे अगर आप यूज़ करते हैं तो। क्योंकि हैवी कटिंग के लिए तो दोस्तों आपने सैंड पेपर अगर अच्छे से लगा दिया है तो हैवी कटिंग के लिए रबिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने अगर सैंड पेपर अच्छे से लगाया है, गाड़ी के ऊपर सैंडिंग अच्छे से की है, तो केवल आपको उसके बाद ज़रूरत पड़ती है अपने पेंट के अंदर हाई ग्लॉस क्रिएट करने की, जो कि इस वक्त मैं कर रहा हूँ। बाकी आप देख रहे हैं बम्पर के ऊपर अभी पॉलिशिंग अपनी चल रही है, लेकिन जब भी आप पॉलिशिंग करें या करवाएं किसी से तो उन्हें बोल दीजिए कि भैया ये जो सार पैजेस हैं बम्पर के ऊपर या गाड़ी के ऊपर, इनके ऊपर ज़्यादा पॉलिशर जो है इसे हैवी ना लगाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी पॉलिशर लगेगा तो होगा क्या दोस्तों कि आपके एजेस पे से पेंट निकलने के चांसेस होंगे, और अगर निकल गया तो फिर वो बाद में टचिंग का ही ऑप्शन एक बचेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कोई भी पेंटर आपके उस पैनल को जहां से पेंट निकलेगा रीपेंट करके नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह से निकलता है। बाकी दोस्तों जो पॉलिशर होता है इलेक्ट्रिक पॉलिशर, कई जगह पे वो प्रॉब्लम करता है चलने में, तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है या आपने मैकेनिक को आप ये बोल दीजिए कि भैया जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ से पेंट निकल सकता है या कुछ भी हो सकता है या आपको पॉलिशर चलाने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ आप ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है पेंट के अंदर कुछ दिक्कत आ जाए। वही दिक्कत आती है दोस्तों, पेंट निकल जाता है, ये मार्क्स आ जाते हैं पॉलिशर के, वूलन पैड के, तो ऐसा ना करें, उन्हें बोल दीजिए ज़बरदस्ती मत करिए। और क्यों ना करिए वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा कि उसका आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कई सारी जगह मेरी गाड़ी में भी ऐसी हैं जहाँ पर मैं पॉलिशर नहीं चला सकता, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि मैं उनके ऊपर हाथ से रबिंग पॉलिशिंग करूँगा अभी वीडियो में आगे आप देखेंगे भी। बाकी दोस्तों बात करते हैं बम्पर की या ABS के पैनल्स की, इनके ऊपर। और दोस्तों जो अपने दरवाजे या डोर्स या डिग्गी या बॉनेट है,
इनके ऊपर और ABS मटेरियल के पैनल्स के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्पीड आपको कम करके रखनी पड़ती है, जैसे कि मैं दरवाजों के ऊपर जब पॉलिशर चला रहा था उस वक्त मेरी स्पीड थी 4, इसके अंदर 6 की स्पीड होती है, तो मैंने 4 पे इसे सेट किया हुआ था। लेकिन अभी मैं जब इसे यूज़ कर रहा हूँ बम्पर्स के ऊपर, तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ 3 के ऊपर, 3 की स्पीड पे। और दोस्तों मैंने जो फाइनल कंपाउंड जब लगाया था, फाइनल फिनिश कंपाउंड जो वेवेक्स का, मीडियम कट पे मैंने स्पीड रखी थी 4, दरवाजों पे, मेटल के पार्ट्स पे और ABS के पार्ट्स पे स्पीड रखी थी 3 की। और अभी जब मैं पॉलिशिंग कर रहा हूँ दोस्तों, तो इस वक्त मैंने ABS के पार्ट्स के ऊपर स्पीड रखी है 2 की और अपने जो मेटल के पार्ट्स हैं उनके ऊपर स्पीड रखी है 1 की। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैं अपने हाथों से रबिंग कर रहा हूँ उन जगहों पे जहाँ पे कि मशीन नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि मेरे पास में दोस्तों उतने हाई इक्विपमेंट्स नहीं हैं जो कि 1 इंच का मेरे पास में पैड हो या 2 इंच के पैड्स हों जिनसे कि मैं कॉर्नर्स में जाके अच्छे से कर पाऊँ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है 3M की रबिंग, जो कि अभी मैं 3M की रबिंग ही यूज़ कर रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट है हाथ से रबिंग करने के लिए। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है, हाथ से अगर कोई भी अनजान आदमी रबिंग करता है तो लाइन्स पड़ जाती हैं रबिंग की। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप हाथ से अपनी गाड़ी के ऊपर रबिंग कर रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफाइबर टॉवल ले लीजिए, 600 अबव GSM का कोई भी टॉवल, 600 या 800 GSM का, उससे आप रबिंग करिए तो जो लाइंस बनती हैं पेंट के ऊपर वो नहीं बनेंगी। अगर आप कॉटन के किसी कपड़े से करेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ अभी, तो इससे चांसेस हैं कि वो लाइंस बन जाएं, और अगर बन गई तो फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी। बाकी जहाँ जहाँ भी पेंट जा सकता था, जैसे कि डोर के अंदर की साइड में है, मैं यहाँ पर भी रबिंग कर रहा हूँ और अभी मैं खुद माइक्रोफाइबर टॉवल के ऊपर आ गया हूँ, क्योंकि अगर लाइंस बन रही हैं तो फिर वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि वो पेंट को जब आपको नहीं दिखाई देगा छाया में, लेकिन जब डायरेक्ट सनलाइट में आपकी गाड़ी खड़ी होगी तो वो चीज़ दिखती है, और मुझे तो दिखती है, मेरी नज़र बार बार वहीं जाती है जहाँ कोई कमी रह जाती है। तो ये चीज़ है, इसके लिए जो कॉटन का ये जो कपड़ा है, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसका इस्तेमाल ना करके आप एक अच्छी ग्रेड के माइक्रोफाइबर टॉवल का इस्तेमाल करें। और अगर आपने बाहर रबिंग करवा भी ली है और आपको प्रॉपर मज़ा नहीं आ रहा है पेंट के अंदर, तो आप मैगवायर के कंपाउंड्स ले आइए, अल्टीमेट कंपाउंड और एक पॉलिश कंपाउंड आता है, उन्हें आप एक माइक्रोफाइबर एप्लीकेटर की मदद से आप उसका कर सकते हैं, और जो आउटपुट है अपना उसे बेस्ट से बेस्ट निकाल सकते हैं खुद से ही घर पे, अगर बाहर रबिंग करवाने के बाद भी अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो। बाकी ये जो कंपाउंड्स बताएं इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, मैं खुद आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि घर पे आप कैसे सेरेमिक कोटिंग अपने घर पे खुद से बिना इलेक्ट्रिक पॉलिशर की मदद से कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, जो भी हाथ से यूज़ होने वाले कंपाउंड्स हैं वो। हर कंपाउंड दोस्तों हाथ से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कुछ ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हैंड से या एप्लीकेटर से भी आप जिन्हें यूज़ करेंगे तो आपको आउटपुट अच्छे देखने को मिलेंगे, कोई अनजान आदमी भी यूज़ करेगा तो भी आउटपुट अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार की मेहनत जो कि अभी मैं अपनी गाड़ी के ऊपर कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि लोकल मार्केट में कोई भी करता या करता होगा। जो लोग अच्छा पैसा लेते हैं वो अच्छा काम करते हैं जैसे, लेकिन जो रोड साइड में अपने बैठे हुए हैं भाई, जो 1000 रुपये लेते हैं यार पूरी गाड़ी के ऊपर, 1500 रुपये लेते हैं रबिंग करने में, तो वो इतनी ना तो डीप क्लीनिंग करके आपको देंगे और ना ही इतने डीप तरीके से रबिंग आपको करके देंगे। तो दोस्तों रबिंग पॉलिशिंग मैं कर चुका हूँ गाड़ी को, मैंने वॉश कर लिया है प्रॉपरली, डीप क्लीन कर लिया है अच्छे से। बाकी शाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी शानदार देखने को मिल रही है वॉशिंग होने के बाद ही। अभी मैं इसके ऊपर वैक्स अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, वैक्स जो ये शाइनिंग अभी देखने को हमें मिल रही है इसको प्रोटेक्ट करेगा, और जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं जब तक कि मैं अपनी गाड़ी के ऊपर सेरेमिक ना कर लूँ तब तक मैं वैक्स से ही काम चलाऊंगा। वैक्स की अगर बात करूँ तो दोस्तों मैं येलो वैक्स अभी अपनी गाड़ी के ऊपर लगा रहा हूँ। मेरे पास में ऑप्शंस थे कि मैं वेवेक्स की कैरनोबा वैक्स लगा लूँ, पेंट सीलेंट लगा लूँ, 3M की प्रीमियम लिक्विड वैक्स लगा लूँ, लेकिन फिर भी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका आउटपुट थोड़ा सा अच्छा निकल के आएगा। बाकी करना कुछ नहीं है, इसको वैक्स को अप्लाई करने के बाद आपको छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए, और ये सारा काम आपको शेड्स में करना है, मतलब कि धूप में नहीं करना, बाहर नहीं करना, छाया में करना है, बंद जगह पर करना है। 10-15 मिनट वैक्स को लगे रहने के बाद में आपको एक माइक्रोफाइबर टॉवल से इसे वाइप ऑफ कर देना है और आपके सामने शानदार रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. तो दोस्तों आई होप कि आपने सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय किए हैं। अगर किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके भाई ने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी है आप लोगों के लिए, जिससे कि मेरी वीडियोस और ज़्यादा एंटरटेनिंग बने, आपको अच्छी लगें। तो इसलिए मैंने एक DJI Osmo 4 फ़ोन गिम्बल खरीद लिया है, जिससे कि मैं थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स शूट कर पाऊँ और आप लोग इन्जॉय कर पाएँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों पेंट मैच होने की, तो मुझे मैच होना पेंट का इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि आप डायरेक्टली देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये जो पेंट है, ये अपना जो OEM पेंट है, ये थोड़ा सा ब्राइटर साइड है, और ये जो अभी पेंट हुआ है ये थोड़ा सा डार्कर साइड है, तो आप देख लीजिए। बाकी अगर ये ड्राइवर साइड फेंडर को आप छोड़ दें और इस थोड़ा सा दरवाजे को छोड़ दें, तो पूरा पेंट बहुत शानदार है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इस तरीके से क्यों हुआ है ऐसा, तो आप मैं एक वीडियो मैंने शूट करके बनाई थी, शायद आपने देखी नहीं होगी, तो देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। ये सेरेमिक का साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि अभी आप देख पा रहे हैं फेंडर और दरवाजे के ऊपर, और ये क्यों हुआ है, कैसे होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं सेरेमिक के, वो उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। बाकी हम दोबारा से अपने मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके भाई को मिरर फिनिश पसंद है, तो वो मिरर फिनिश कितनी आई है वो एक बार आप देखने की कोशिश करिए। बाकी मैंने पेंट के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि जैसे ही मैंने पॉलिशिंग स्टार्ट किया था वो वहाँ से पेंट निकलना स्टार्ट हो गया था, पेंट चिप ऑफ हो रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की और बहुत एहतियात के साथ इसके ऊपर रबिंग पॉलिशिंग मैंने की, क्योंकि मुझे डर था दोस्तों कि एक बार अगर निकल सकता है तो हो सकता है कहीं और से ना निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कहीं और से पेंट अपना नहीं निकला। बाकी अभी क्या है दोस्तों, ये जो सिनेमैटिक शॉट्स मैंने शूट किए हैं ये ग्राउंड में शूट किए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कच्ची ज़मीन है तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी पेंट के ऊपर डस्ट आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार साफ़ करके दिखा देता हूँ कि कैसा एक्चुअल आउटपुट है। एक बार नज़दीक से आप देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिल रहा है अभी। बाकी दोस्तों मैंने जो भी रबिंग पॉलिशिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आशा करता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे, उसमें मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है जो मुझे सही या गलत लगता है। उसमें मैं ये नहीं कहता कि वो चीज़ें एकदम से ठीक हैं, हो सकता है किसी को ठीक लगें, हो सकता है किसी को ठीक ना लगें। अगर आपको ठीक लगी हैं तो आप उन्हें अपनी लाइफ में, अगर आप कभी भी रबिंग पॉलिशिंग करवाते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ज़रूर यूज़ करिएगा, आपको आउटपुट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंततः सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्लीज़ ट्रैफिक नियम्स को फॉलो करिए, और ये जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है गाड़ी चलाते वक्त वीडियो बनाते हैं, स्पीडोमीटर को दिखाते हैं, स्पीड को दिखाते हैं, यार ये ट्रेंड जान लेके जाता है और कुछ नहीं देके जाता, तो प्लीज़ इस ट्रेंड को आप फॉलो मत करिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, बिल्ड क्वालिटी को हमेशा गाड़ी खरीदते वक्त अपनी पहली प्रायोरिटी पर रखिए। जय हिंद, जय भारत।